and here's how to verify is it real or fake last week the central board of indirect taxes and customs issued a warning regarding the issuance of fake gst summons by the fraudsters This cbic department issued warning issue Textpayers taxpayers have been advised to exercise caution and verify the authenticity of any communication received from the gst authorities जीएसटी डिपार्टमेंट से अगर आपके पास कोई नोटिस आ रहा है तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें क्योंकि जो फेक नोटिस आ रही है वो भी रियल नोटिस की तरह ही आपके पास दिखाई देंगे तो जो फेक नोटिस है आपको एग्जेक्टली exactly रियल लगेंगे लेकिन आपको उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है कि वाकई जो नोटिस इशू किया गया वो डिपार्टमेंट से ही इशू किया गया क्या फेक जीएसटी समन वाइल दूस न्यूज न्यूज के अंदर क्यों ये आ रहा है इन स्टेटमेंट दी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस

वो भी आपको रियल दिखाई देंगे बिकॉज दी अ डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर एक हमारे पास एक तकल आया था जो भी आपके पास नोटिस आएंगे उसके ऊपर एक डिन नंबर होगा तो जो आपके पास फेक नोटिस रियल लगेंगे क्योंकि उसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन नंबर है बट दिस डिन आर नॉट इशूड बाय द डिजिट ये जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से डिन नंबर इशू नहीं किया गया इन द केस ऑफ दिस एंटिटीज जो कि फेक है जो भी जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास जो भी कम्प्लेन्ट आ रही है वो सारी के सारी कम्पलेन पुलिस में फाइल कर दी है इस तरह से फेक नोटिस जो है वो जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के बिहाफ के ऊपर इशू किए गए हैं

तो उस केस में वो जो वो जो नंबर है नहीं होगा आपका ऑर दिन यूटिलिटी सर्च ऑन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ डाटा मैनेजमेंट सीबीएसई तो यहां पे जाके आप इसको वेरीफाई कर सकते हो जीएसटी के समझ जो आए हैं वो रियल है या फेक

आप उसके ऊपर जो डिन नंबर लग के आया है पहले तो आप उसके जर्नलिस्ट को चेक करो कि वाकई ये जो समन है ये डिपार्टमेंट से जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से इशू हुआ है 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 या किसी ने आपको आपको इशू कर दिया ये फ्रॉड ठीक तो तो सबसे पहले तो यही वेरीफाई करना है, उसका नंबर अगर आपका जीएसटी का समन जो है वो रियल है तो, तो आपको उसी का वैसे ही रिप्लाई करना है लेकिन अगर आपका वेरीफाई करने के बाद आपको पता चलता है कि जो जीएसटी का डिन नंबर है वो फेक है वो रियल नहीं है वो साइट के ऊपर शो नहीं नंबर शो नहीं हो रहा तो उस केस में वो जो फेक नोटिस है आप उसको अपने जोडिस डीजीजीआई का जो ऑफिस है वहां पे जाके आप उसको रिपोर्ट करो कि ऐसे से ये वाला नोटिस आपके पास आया है जिसको आपने वेरीफाई किया है जो कि वहां पे रियल नहीं शो हुआ जो कि फेक नोटिस है कि ताकि जो जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके कि ये नोटिस कहाँ से इशू किया गया

कंसिडर करने के लिए तभी जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ये इशू किया है आपके पास जो भी नोटिस आए आप उसका नंबर नंबर आप उसका चेक करो क्योंकि हमारे पास एक सर्कुलर आया था कि जो भी आपके पास नोटिस आए उसके ऊपर नंबर लगा होना चाहिए अब जब प्रोटोलेंट है उन्होंने क्या किया कि जो फेक नोटिस भेजे उसके ऊपर भी डी नंबर एक्जेक्टली वैसे लगा दिए जो की आपको ऑडिशनल डिन की तरह ही आपको लगेगा तो इसलिए जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ये आपको इशू की है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किए हैं इसके अंदर क्या है है अगर आपके पास कोई भी नोटिस आ रहा तो सबसे पहले आप उसकी को चेक करो कि वाकई वो नोटिस जो है वो जेन्य है रियल है या फेक है रियल है देन इट्स ओके तो आप उसको अकॉर्डिंगली उसका जो भी रिप्लाई है वो फाइल करेंगे लेकिन अगर वो फेक है तो उस केस में जो आपका जो डिस्टेशन डीजी जी है जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है आप वहां पे वो नोटिस को लेके जा सकते हो वहां पे रिपोर्ट कर सकते हो कि इस तरह से ये फिक नोटिस आपके पास इशू किया गया ताकि आगे जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है वो चेक कर सके कि ये फ्रॉडलैंड जो है किसने किया है और वो आगे कंप्लेन फाइल कर सके सो दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो